हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने अपने पिछले सेशन में CGL 19 प्री में पूछे गए सारे सिनोनिम्स को कवर किया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब उसके बाद मैं एंटोनिम्स लेके आऊँगी, तो आज के हमारे सेशन में हम सारे एंटोनिम्स पढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप सभी को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सिडस। एक्सिडस मीन्स क्या होता है? निर्गमन। प्रस्थान, बड़ी मात्रा में लोगों का बाहर जाना, उसे बोलते हैं एक्सिडस। ऑप्शंस देखते हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स भी हो गया प्रस्थान, जैसे बोलते हैं इस गाड़ी के डिपार्चर का टाइम ये है, प्रस्थान का निकलने का टाइम ये है। एग्जिट भी हो गया निकास, बाहर जाना। अराइवल मीन्स हो गया आगमन, मीन्स आना। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अराइवल। एक्सिडस का जो एंटोनिम होता है वो अराइवल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं रिफंड। रिफंड तो हो गया धन की वापसी, जैसे कोई सामान हम मंगाते हैं अगर उसे रिटर्न कर देते हैं तो उसका रिफंड आता है ना, पैसे वापस मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा क्विसेंट। इसका मतलब होता है मौन। ये जो वर्ड है क्वाइट से बना है, क्वाइट मीन्स भी आप जानते हैं शांत, मौन, तो क्विसेंट भी हो जाता है मौन, स्थिर, शांत। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। इनडिफरेंट। इनडिफरेंट होता है उदासीन, न्यूट्रल, कुछ मतलब कोई फर्क ना पड़ना, एकदम शांत। ठीक है, एक्टिव हो गया सक्रिय, मतलब किसी काम में एक्टिव रहना, सक्रिय रहना। ठीक है, पीसफुल तो हो गया शांत, और डिजेक्टेड हो गया उदास, दुखी। तो जो इसका राइट आंसर है आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्टिव। क्वेसेंट का एंटोनिम एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा हिलेरियस। हिलेरियस मतलब होता है प्रसन्न। ऑप्शन देखते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए ब्लिथ। ब्लिथ मीन्स भी होता है प्रसन्न, खुश, जिंदा दिल। हैप्पी मीन्स भी हो गया खुश। मैरी मीन्स भी हो गया खुशी मनाना। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है सैड। सैड मीन्स होता है दुखी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैड। हिलेरियस का जो एंटोनिम हो गया वो हो गया सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशेष। विशेष मीन्स होता है दोषी, भ्रष्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स हो गया भला, अच्छा। और ऑप्शन नंबर थ्री है हमारा सिंफुल। सिंफुल सिन हो गया पाप, तो सिंफुल हो गया पापी। ठीक है, बेनफुल हो गया शापित, शापग्रस्त। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्चुअस। विशेष का जो एंटोनिम हो गया वो हो गया वर्चुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला। ठीक है, जो आसानी से मुड़ सके, मुलायम। ऑप्शंस देखते हैं। सपल भी हो गया हमारा कोमल, लचीला। सॉफ्ट भी होता है कोमल। स्टिफ मीन्स होता है कड़ा, कठोर।
और स्टेल हो गया हमारा बासी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टिफ। फ्लेक्सिबल का एंटोनिम स्टिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विजिलेंट। विजिलेंट मीन्स होता है जागरूक, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए हो गया कॉशियस। कॉशियस भी होता है सावधान, जागरूक। वेरी मीन्स भी होता है सावधान। रैश मीन्स होता है जल्दबाज। जल्दबाज, कोई काम जब जल्दबाजी में किया जाए, जैसे आपने सुना होगा रैश ड्राइविंग, ठीक है। तो रैश मीन्स हो गया जल्दबाजी, उतावलापन, ठीक है। अलर्ट, अलर्ट मीन्स भी हो गया सतर्क, सावधान। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैश। विजिलेंट का एंटोनिम रैश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता। ऑप्शंस देखते हैं। इंडिपेंडेंस तो स्वतंत्रता होता है, हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। डिलीवरेंस हो गया मुक्ति, उद्धार। डिपेंडेंस हो गया किसी पर आश्रित होना, निर्भर होना, ठीक है। डिपेंडेंस मीन्स होता है आश्रित। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स हो गया सुविधा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिपेंडेंस। लिबर्टी का एंटोनिम डिपेंडेंस। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता और डिपेंडेंस मीन्स परतंत्रता, किसी पर आश्रित होना। क्वेश्चन नंबर एट है हमारा ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स हो गया चौड़ा, विशाल, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए लार्ज। लार्ज मीन्स भी होता है बड़ा, वाइड होता है चौड़ा, लॉन्ग मीन्स हो गया लंबा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा नैरो। नैरो मीन्स होता है सकरा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैरो। ब्रॉड मीन्स चौड़ा, नैरो मीन्स सकरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मीन्स होता है पुराना, आउटडेटेड, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिजिड। रिजिड मीन्स हो गया कठोर, कड़ा। ऑप्शन नंबर बी आउटडेटेड, ये तो वही पुराना हो गया। और ऑप्शन नंबर सी रिमोट। रिमोट मीन्स हो गया दूर, दूर दराज का। इसका राइट आंसर हो जाएगा रीसेंट। रीसेंट मीन्स नया, आज का। आउटडेटेड तो सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक। ठीक है, अपमानजनक। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डेप्रिशिएटिंग। डेप्रिशिएटिंग मीन्स होता है गिरावट, ठीक है। इंसल्टिंग। इंसल्टिंग मीन्स होता है, इंसल्ट मीन्स होता है बेइज्जती, तो इंसल्टिंग हो गया बेइज्जती करना। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तारीफ करना। इंट्रिकेट मीन्स होता है जटिल, कठिन, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स तारीफ। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पार्स। स्पार्स मीन्स होता है दूर दूर, दूर दूर, कम घना होना, दूर दूर होना। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांति, शांत। स्कैंटी मीन्स भी हो गया कम मात्रा में, अल्पता। अबंडेंट हो गया प्रचुर मात्रा में, अधिकता, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कॉस्टली हो गया महंगा।
तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबंडेंट मीन्स स्पार्स मीन्स कम मात्रा में होना, दूर दूर होना, अबंडेंट मीन्स प्रचुर मात्रा में होना, अधिक मात्रा में होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप तो आप सभी जानते हैं, मित्रता, स्लेवरी हो गया गुलामी, एनिमिटी हो गया दुश्मनी, एरोगेंस क्या हो गया, एरोगेंस हो गया क्रोध, एमिटी मीन्स होता है मेलजोल मित्रता, तो एमिटी तो इसका सिनोनिम हो गया, तो फ्रेंडशिप का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनिमिटी। फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता, एनिमिटी मीन्स दुश्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवाइड। डिवाइड मीन्स तो हो गया बांटना, तो जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए यूनाइट, यूनाइट मीन्स हो गया एकत्रित करना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, एनगल्फ मीन्स होता है निगल जाना, निगल जाना, और स्प्लिट मीन्स क्या हो गया, स्प्लिट मीन्स हो गया विभाजित करना, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनाइट। डिवाइड मीन्स बांटना, यूनाइट मीन्स एकत्रित करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मीन्स होता है दक्षता, किसी काम में दक्ष होना, निपुण होना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए मास्टरी, मास्टरी मीन्स भी हो गया वो काम अच्छे से आना, स्किल हो गया कौशल, ठीक है, किसी काम को क्यों करने की स्किल, कुशलता, एगिलिटी होता है क्विक, चपल, कोई व्यक्ति होता है ना वो काम बहुत ही जल्दी से कर लेता है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं एजिलिटी। इग्नोरेंस हो गया अज्ञान, ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इग्नोरेंस। डेक्सटेरिटी मीन्स दक्षता, काम अच्छे से आना, इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता, ना आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा बिजार। बिजार मीन्स होता है विचित्र, अजीब, विचित्र, अजीब। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए यूजुअल, यूजुअल मीन्स हो गया सामान्य, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंज मीन्स हो गया अजीब, हैप्पी मीन्स होता है खुश, वियर्ड मीन्स हो गया अजीब, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूजुअल। बिजार मीन्स भी, बिजार मीन्स हो गया अजीब, विचित्र, यूजुअल मीन्स हो गया सामान्य, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यूजुअल। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा एलियोर। एलियोर मीन्स होता है फुसलाना, फुसलाना, लुभाना, लुभाना भी होता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर 1 है रिवाइव। रिवाइव मीन्स होता है फिर से जीवित करना, पुनर्जीवित करना। रिवाइंड मीन्स हो गया वापस आ जाना, जैसे फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे, रिवाइंड मीन्स होता है पीछे, बैकवर्ड, ठीक है। रिपल्स हो गया, रिपल्स मीन्स होता है हटाना, प्रतिकर्षित करना, ठीक है, प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित। अट्रैक्ट मीन्स हो गया आकर्षित करना, एंड रिपल्स हो गया प्रतिकर्षित करना, तो जो एल्योर का एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिपल्स। एल्योर मीन्स लुभाना, अपनी तरफ आकर्षित करना, और रिपल्स मीन्स प्रतिकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 17, स्लगिश। स्लगिश मीन्स होता है सुस्त, आलसी। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर ए है वीक मीन्स कमजोर, एक्टिव हो गया सक्रिय, कहते हैं एक्टिव रहना, वो बहुत एक्टिव है। सेडेंट्री मीन्स होता है गतिहीन, धीरे, और डल मीन्स हो गया सुस्त। तो ये सारे तो इसके सिनोनिम्स हो गए, वीक, सेडेंट्री एंड डल। एक्टिव जो है हमारा एंटोनिम हो जाएगा, स्लगिश मीन्स सुस्त, धीरे, एक्टिव मीन्स सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, होस्टाइल। होस्टाइल मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण,
शत्रुतापूर्ण। ऑप्शंस है हमारे, एमिएबल हो गया मींस फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण रिश्ते। अनफेवरेबल हो गया प्रतिकूल, ठीक है, तो जब चीजें हमारे फेवर में ना हो, हमारे अनुकूल ना हो, तो वो कंडीशंस हो गई अनफेवरेबल कंडीशन। एडवर्स, एडवर्स भी हो गया प्रतिकूल, ठीक है, और आक्रामक हो गया हमारा, और वायलेंट हो गया हमारा आक्रामक। वायलेंट मीन्स होता है आक्रामक। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एमिएबल। होस्टाइल मीन्स शत्रुतापूर्ण, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली मित्रतापूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 19। परसिस्ट, परसिस्ट मीन्स होता है दृढ़ रहना, दृढ़ रहना, जैसे लोग कहते हैं ना परसिस्टेंस, किसी भी काम को करने के लिए परसिस्टेंस बहुत जरूरी होता है, हमें दृढ़ रहना चाहिए, दैट इज परसिस्ट। सीज मीन्स क्या हो गया, सीज मीन्स हो गया एंड, समाप्ति, ठीक है। कंटिन्यू हो गया लगातार जारी रखना। रिमेन मीन्स टिका रहना। इंसिस्ट मीन्स भी हो गया दृढ़ता से, इंसिस्ट मीन्स होता है किसी काम को दृढ़ता से कहना, उस कई बार लोग कहते हैं ना आई इंसिस्ट यू टू डू दिस, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सीज। परसिस्ट मीन्स दृढ़ रहना, कोई काम करते रहना। सीज मीन्स एंड, खत्म कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 20। ग्ली, ग्ली मीन्स होता है आनंद, खुशी, आनंद। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए फन, फन मीन्स भी हो गया खुशी, मजे करना, जॉय मीन्स भी हो गया खुशी, वो मीन्स होता है दुख, संकट, दुख, संकट। ब्लिस मीन्स हो गया आनंद, खुशी, तो ग्ली का एंटोनिम हो गया वो। ग्ली मीन्स आनंद, वो मीन्स दुख, संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 21। फिकल, फिकल मीन्स होता है अस्थिर, अस्थिर। लोग कहते हैं ना फिकल माइंडेड पर्सन, वो बात बात में पलट जाता है, अस्थिर है वो, चंचल व्यक्ति। स्टेबल मीन्स हो गया स्थिर। फ्लाइट मीन्स होता है तेज, फ्लाइट हमारी कैसे चलती है, बहुत तेज चलती है ना, तो फ्लाइट मीन्स हो गया तेज, चंचल। फ्लाइटी मीन्स तेज, चंचल। क्राफ्टी हो गया, क्राफ्टी मीन्स होता है चालाक, और सटल हो गया जटिल। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेबल। फिकल मीन्स अस्थिर, स्टेबल मीन्स स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 22 इज हेस्ट। हेस्ट मीन्स होता है जल्दी, किसी चीज की जल्दी होना। लूज मीन्स हो गया खोना। डैश मीन्स हो गया, डैश मीन्स होता है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होती है, तो हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं, उसका जो ब्लैंक स्पेस होता है उसके लिए हम डैश यूज करते हैं ना, तो एक वो हो गया डैश। रश हो गया जल्दबाजी में, हड़बड़ी में रश करना। एंड डिले हो गया लेट, ठीक है, डिले मीन्स हो गया लेट, देरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिले। हेस्ट मीन्स जल्दी, डिले मीन्स देरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 22, 23 है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कठोर, कड़ा, कड़े नियम, स्ट्रिंजेंट। एंड ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए लीनियंट, लीनियंट मीन्स हो जाते हैं उदार। स्टर्न मीन्स हो गया, स्टर्न मीन्स भी होता है स्ट्रिक्ट। सिवियर हो गया, सिवियर मीन्स कठोर, सिवियर पनिशमेंट देना इसे, तो सिवियर। स्ट्रिक्ट मीन्स भी होता है कठोर, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीनियंट। स्ट्रिंजेंट मीन्स कठोर, लीनियंट मीन्स उदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क मीन्स होता है विकृत, बिगड़ा हुआ, जिसका शेप और साइज अच्छा ना हो, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, अगली, अगली मीन्स हो गया हमारा बुरा, भद्दा। अट्रैक्टिव हो गया आकर्षक, आकर्षक। डिस्टॉर्टेड हो गया हमारा
डिस्टॉर्टेड मीन्स भी होता है विकृत, और मॉन्स्ट्रस हो गया राक्षसी, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अट्रैक्टिव, ग्रोटेस्क का एंटोनिम अट्रैक्टिव, बाकी सारे अगली डिस्टॉर्टेड ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 इज नेटिव, नेटिव मीन्स होता है पैदाइशी उसी देश का, रूरल मीन्स हो गया ग्रामीण, रस्टिक हो गया असभ्य, और फॉरेन हो गया विदेशी, विदेश, फॉरेन हो गया विदेश, और अर्बन हो गया हमारा शहरी। तो नेटिव मीन्स देसी, फॉरेन मीन्स विदेश, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉरेन, नेटिव का एंटोनिम फॉरेन। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स होता है प्रतिकर्षक, रिपल्स, रिपल्स करना, दूर जाना, रिवोल्टिंग तो हो गया, रिवोल्ट हो गया हमारा विद्रोह, विद्रोह से बनाया रिवोल्टिंग, हाइडियस हो गया हमारा भयंकर, ब्रिलियंट मीन्स हो गया प्रतिभाशाली इंटेलिजेंट, और अट्रैक्टिव हो गया हमारा आकर्षक, आकर्षक, तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अट्रैक्टिव, रिपल्सिव मीन्स दूर जाना प्रतिकर्षण करना, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 27 इज असिस्ट, असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना, सहायता करना, कंसील मीन्स हो गया छुपाना, ऑब्स्ट्रक मीन्स हो गया बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक क्या हो गया बाधा डालना, बाधा डालना, डिक्लाइन मीन्स हो गया पतन, सपोर्ट मीन्स हो गया सहायता करना, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट, असिस्ट मीन्स सहायता करना, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स बाधा डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए कॉशियस, कॉशियस मीन्स होता है सावधान, डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स भी हो गया मेहनती, ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले, और लेथार्जिक मीन्स होता है आलसी, आलसी। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेथार्जिक, इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती और लेथार्जिक मीन्स आलसी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा मैलिस, मैलिस मीन्स होता है द्वेष, ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स हो गया सच सत्य, गुडविल मीन्स होता है दया भाव, हिपोक्रेसी हो गया पाखंड कपट, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है हम्बलनेस विनम्रता, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुडविल, मैलिस मीन्स द्वेष, द्वेष रखना किसी के प्रति, और गुडविल मीन्स दया भाव, अच्छी भावना, दयालुता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा फाउल, फाउल मीन्स होता है बेईमानी, ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ हो गया, वाइल मीन्स होता है नीच, नीच व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति, फेयर मीन्स हो गया ईमानदार निष्पक्ष, निष्पक्ष, ईमानदार, और नेस्टी मीन्स होता है बुरा, तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेयर, फाउल मीन्स बेईमान, फेयर मीन्स ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 परसुएड, परसुएड मीन्स मनाना, किसी को मनाना राजी करना, डिसुएड मीन्स मना करना, तो जो परसुएट का एंटोनिम हो जाएगा डिसुएट, परसुएट मीन्स मनाना,
और डिसवेड मीन्स मना करना, परवेड मीन्स होता है टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह व्याप्त। इंड्यूस मीन्स होता है प्रेरित करना, और इंप्रेस मीन्स हो गया प्रभावित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रियर। रियर मीन्स होता है पीछे जाना, पीछे जाना, पिछला। और फ्रंट मीन्स हो गया आगे का। लोअर मीन्स होता है नीचे का। हाइंड मीन्स भी हो गया पिछला, एंड बैक मीन्स भी हो गया पीछे। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रंट। रियर मीन्स पीछे, फ्रंट मीन्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा मेलो। मेलो मीन्स होता है मधुर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीडियम, मीडियम मीन्स हो गया मध्यम। शाइनी मीन्स हो गया, शाइनी मीन्स हो गया चमकने वाला। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स हो गया मुलायम। एंड ऑप्शन नंबर डी है हार्ड। हार्ड मीन्स हो गया कठोर। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्ड। मेलो मीन्स मधुर, और एंटोनिम हो जाएगा हार्ड मीन्स कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इमर्ज। इमर्ज मीन्स होता है सामने आना, उभरना, सामने आना। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सरफेस। सरफेस मीन्स हो गया सतह पर। डिसअपियर मीन्स हो गया गायब होना। अनाउंस मीन्स हो गया घोषणा करना। अपियर मीन्स सामने आना। तो एमर्ज का एंटोनिम हो जाएगा डिसअपियर। एमर्ज मीन्स सामने आना, डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमेन। ह्यूमेन मीन्स होता है दयालु। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए काइंड। काइंड मीन्स भी दयालु हो गया, ये तो सिनोनिम हो गया इसका। लिविंग मीन्स जीवित हो गया। सिंपैथेटिक मीन्स भी दयालु होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्रूएल, इसका मतलब होता है क्रूर। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रूएल। ह्यूमेन मीन्स दयालु, क्रूएल मीन्स क्रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। एक्सटॉल। एक्सटॉल मीन्स होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। सेंश्योर मीन्स क्या हो गया, निंदा करना। रियलिस्टिक हो गया वास्तविक। एक्सपोजर मीन्स हो गया अनावरण करना, किसी को एक्सपोज कर देना। बूरिश मीन्स हो गया अशिष्ट, अशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेंश्योर। एक्सटॉल मीन्स प्रशंसा करना, और सेंश्योर मीन्स निंदा करना। ठीक है, इस तरह से हमने इस सेशन में सीजल 19 प्री में जितने भी एंटोनिम्स पूछे गए थे सारे कवर कर लिए। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो, अगर कोई चीज ना समझ में आ रही हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।